पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सीएम ने परिजनों को दी संतावना, बोले समाज सेवा करते हुए हरीश शर्मा का हुआ घटनाक्रम पूरा, जो भी हुआ गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी कम से कम मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कानून व्यवस्था पर भी साधा निशाना, बोले प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने लाठीचार्ज पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और परिवार जो हुआ एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ, और इस परिवार को भी बच्चों को नौकरी देनी चाहिए ताकि अपना समझ सके, क्योंकि समाज सेवा में ही के कारण ही ये घटना घटी गई। सर पुलिस ने लाठीचार्ज, बड़ा लाठीचार्ज, लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को भी चोटें लगी, पत्रकार भी गए। हाँ दिखाया मेरे को, वो मैं कह रहा हूँ तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार की पूरी मदद।